हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास विंडोज़ 10 में और विंडोज़ 11 में प्रिंटर का ये एरर आ रहा है तो आप इस एरर को कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको जो है विंडोज़ 11 के सेटिंग में जाना है। आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आई प्रेस कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, फिर आपको जो है यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है प्रिंटर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कम्प्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको यहां पर सेटिंग को क्लोज कर देना है। फिर दोस्तों, आपको विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप करना है सर्विसेज। उसके बाद आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। उसके बाद दोस्तों, सर्विसेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको जो है यहां पर फाइंड आउट करना है प्रिंट स्पॉलर। फिर आपको जो है राइट क्लिक कर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्टार्टअप टाइप आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर देना है। फिर आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सर्विसेज को क्लोज कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको रन कमांड ओपन करना है। आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आर प्रेस कीजिए, रन कमांड ओपन हो जाएगा। फिर आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर इंटर प्रेस कर देना है। फिर दोस्तों, यहाँ पर रजिस्ट्री ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर सर्च बार में इस तरीके से ये टेक्स्ट को जो है आपको पेस्ट कर देना है। फिर आपको इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं विंडोज़ का जो फोल्डर है, आपको जो है इसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक करना है, परमिशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर यहाँ पर आपके पीसी को सेलेक्ट कर यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे बॉक्स में आपको चेक करना है। फिर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। फिर आपको जो है कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है, जैसे कि मैं गूगल क्रोम का यूज़ कर रहा हूँ तो गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। फिर दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर आपके प्रिंटर का नेम सर्च करना है। फिर आपको यहाँ पर इसके ड्राइवर को आपको इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पर इस तरीके से सर्च कीजिए। फिर आप जो है प्रिंटर के ड्राइवर को यहाँ पर से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड कर आप प्रिंटर के ड्राइवर को इंस्टॉल कीजिए आपके पीसी में। उसके बाद आप पीसी को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।